हेलो चिल्ड्रन, लेट्स कंटिन्यू विद आर केमिस्ट्री पार्ट। तो देखिए, हम लोगों ने अभी तक आपके केमिकल रिएक्शंस देखे मेटल के। अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाई इज़ सोडियम कैप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। अब देखो, सोडियम रिएक्टिविटी सीरीज़ में आपको पता है ये सेकेंड नंबर पर आ रहा है, तो हाईली रिएक्टिव है। इतना रिएक्टिव है कि अगर आप एयर में इसको एक्सपोज रखेंगे तो भी रिएक्ट होके आपका ऑक्साइड दे देगा। अगर आप इसको वाटर में रखेंगे तो भी आप ये आपका रिएक्ट होके सोडियम हाइड्रोक्साइड दे देगा। ठीक है, तो ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो हमें केरोसिन एक ऐसा ऑयल मिला जिसमें ये रिएक्ट नहीं करता, तो हम इसको इसके अंदर डिप करके रखते हैं। ठीक है, अगर आप एयर में इसको एयर में नहीं रख सकते, वाटर में नहीं रख सकते। व्हाई? बिकॉज सोडियम इज़ अ हाईली रिएक्टिव मेटल विच रिएक्ट्स विद एयर एंड वाटर इमीडिएटली और वायलेंटली। ओके, दैट्स वाई इट इज़ केप्ट अंडर केरोसिन ऑयल। ठीक है, ईजी है ये क्वेश्चन। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शंस ऑफ, सो आपका फर्स्ट है आयरन विद स्टीम। अब आप देखिए, आयरन जो है वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता, हॉट वाटर से रिएक्ट नहीं करता, हाँ पर वो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। तो स्टीम का फार्मूला, स्टीम इज़ अ फॉर्म ऑफ वाटर, तो स्टीम का फार्मूला भी हम H2O ही लिखेंगे इन गैशियस फॉर्म, है ना। यहाँ पे जी गैशियस स्टेट लिखेंगे। तो जैसे ही कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड। तो आयरन यहाँ पे आयरन ऑक्साइड बनाएगी, Fe3O4। ठीक है, ये आयरन ऑक्साइड बनाया और ये जो हाइड्रोजन गैस है वो लिब्रेट होगी, प्लस H2, ये आपकी गैस है। ठीक है, इजी है। तो आपका आयरन आपका स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो आपको आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस दे रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर। तो हमें रिएक्शन देखना है कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर। सो सी, ये आपका कैल्शियम है, आप जैसे ही इसको वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, अब जो कैल्शियम है वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप कैसा भी वाटर लेंगे वो रिएक्शन ज़रूर आपको शो करेगा। तो जैसे ही आप इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो अगेन सेम फार्मूला कि आपका जो कैल्शियम है मेटल है, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है तो मेटल ऑक्साइड दे रहा है। तो देखो, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड बना। अब ये जो मेटल ऑक्साइड है ये तुरंत वाटर में डिसॉल्व भी हो जाता है ना, ब्रेक हो जाता है वाटर में फिर से रिएक्ट करके। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो आपका क्या रिएक्शन हो जाएगा, आप ये हटा देंगे तो आपका रिएक्शन यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। कैल्शियम व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर इट गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम के साथ भी आपका बिल्कुल ऐसे ही रहता है, पोटेशियम तो हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल है, तो आप जैसे इसको वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपका अगेन पहले पोटेशियम ऑक्साइड बनेगा K2O, लेकिन फिर वो वाटर के साथ फिर से रिएक्ट होके क्या बना लेगा, KOH हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आप इसको बैलेंस कर सकते हैं ईजिली, तो आपकी ये इक्वेशन होगी। अच्छा, आपका बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन आता है इक्वेशन से रिलेटेड, अगर वो इक्वेशन लिखवाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आप मान के चलें कि आपको वो बैलेंस करना है, अदरवाइज़ वहाँ पे मार्क्स आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट करते हैं वो लोग अगर आपने बैलेंसिंग नहीं की है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड, सैम्पल्स ऑफ फोर मेटल। अब देखो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, A, B, C एंड D आपके चार मेटल हैं, वर टेकन एंड एडेड टू द फॉलोइंग सॉल्यूशन वन बाय वन, द रिजल्ट ऑब्टेन हैव बीन टेबुलेटेड एज फॉलोज। तो देखो, जो ए मेटल था उसको हमने आयरन सल्फेट में डाला तो कोई रिएक्शन नहीं दिखाया, ठीक है, नो रिएक्शन। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं ए जो मेटल है वो आयरन के नीचे होगा, तभी तो कोई रिएक्शन नहीं दिखा रहा, तभी तो वो आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, नहीं तो रिएक्शन दिखाता। जैसे हमने कॉपर सल्फेट में डाला तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाया। तो देखो, ए के बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली, अब ये टेबल कैसे इंटरप्रेट करते हैं हम ये देख रहे हैं, आयरन से तो नीचे है ए, लेकिन कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा पा रहा है, डिस्प्लेस कर पा रहा है, तो कॉपर से ऊपर है। ठीक है, जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट में कोई हमारा कमेंट नहीं है, हमें यहीं से इंफॉर्मेशन ये दे रहे हैं। ठीक है, ये ए के बारे में था। अब हम देखते हैं बी क्या कर रहा है, जो आपका बी मेटल है वो आयरन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका शो कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, वो आयरन के ऊपर होगा, है ना, आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा तभी तो आयरन को डिस्प्लेस कर पा रहा है, तो आपका जो B है वो ऊपर आएगा, आयरन के ऊपर आया। ठीक है, इसके बाद आपकी आयरन कहीं ना कहीं आ रही होगी, कॉपर में
हम इसको रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। फिर हमने जिंक सल्फेट में डाला तो इसने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया। तो जिंक जो है, जिंक से नीचे है ये भी, ईजी है ना, कि डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा, रिएक्शन नहीं दे रहा है, तो जिंक से कम रिएक्टिव है। हम लोग अपना सी देखते हैं। सी क्या है, आयरन सल्फेट में नो रिएक्शन, तो आयरन सल्फेट में रिएक्शन नहीं है तो आयरन से नीचे है। दूसरा देखते हैं, कॉपर सल्फेट में भी कोई रिएक्शन नहीं है तो कॉपर से भी नीचे है। जिंक सल्फेट में भी कोई रिएक्शन नहीं है तो जिंक तो वैसे ही आयरन से ऊपर होता है, तो कॉपर से नीचे आ गया तो जिंक में तो नीचे रहेगा ही। नेक्स्ट, सिल्वर नाइट्रेट में उसने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाया, तो आपका जो ये सी है ये सिल्वर से तो ऊपर है, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट में ये रिएक्शन दिखा रहा है, मतलब इससे तो ऊपर आएगा, ठीक है। डी के बारे में देखते हैं, डी आपका क्या शो कर रहा है रिएक्शन। डी ने आयरन सल्फेट में कोई रिएक्शन नहीं दिया तो आयरन से नीचे है, कॉपर सल्फेट में भी नहीं दिया तो कॉपर से भी नीचे है, जिंक में भी नहीं दिया तो जिंक तो ऑलरेडी बहुत ही ऊपर है, जब कॉपर से नीचे आ गया तो जिंक तो बात नहीं है, सिल्वर नाइट्रेट में भी नहीं है, मतलब सिल्वर से भी नीचे है, तो आपका डी बिल्कुल नीचे है। आप देख सकते हो बी ए से ज़्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि आयरन से दोनों को कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। आपका सी जो है वो ए से कम रिएक्टिव होगा और जो डी है वो तो लीस्ट रिएक्टिव है। यूज़ द टेबल अबव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट मेटल्स ए बी सी एंड डी। फर्स्ट है, विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो देखो ये आपके पास थोड़ी सी सीरीज है, आप बता सकते हो बी ए सी और डी में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है। तो आप सबको पता है आंसर क्या होगा, बी, क्योंकि टॉप पे जा रहे हैं ना। नेक्स्ट है, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ़ बी इज़ एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब क्या बोल रहे हैं, अगर बी को हम कॉपर सल्फेट में, यहाँ पे हमने जो ऐड नहीं किया है, अगर इसमें ऐड करते तो क्या होगा। तो देखो कॉपर यहाँ पे है और बी आपका यहाँ पे है। बी हम लोग बाद में देखेंगे कि ये कौन कौन सा हो सकता है ना, अभी सिर्फ इनको ए बी सी डी के नाम से ही हम डेजिग्नेट करेंगे। कॉपर आपका यहाँ पे है तो बी तो कॉपर से बहुत ऊपर है, तो आपको क्या लगता है कॉपर सल्फेट में वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। द आंसर विल बी हाँ, ये आपका आप व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन, तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप यहाँ लिखेंगे कि जैसे ही आपने बी को कॉपर सल्फेट में डाला तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसने शो किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द मेटल्स ए बी सी डी इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो आप सब कर सकते हैं, बड़ा ईजिली आप ये कर सकते हैं। आपका बी सबसे पहले आएगा, ठीक है, बी सबसे पहले आया, उसके बाद ये हाईएस्ट रिएक्टिव है, उसके बाद आपका ए आएगा, उसके बाद आपका सी आएगा और लास्ट आपका डी आएगा। तो ये जो है ये आपका पैटर्न होगा रिएक्टिविटी का, ठीक है। अब एक बार देखें जो बी ए सी डी है क्या एक्चुअल में। तो देखो ये जो डी है ये आपका सिल्वर के नीचे आ रहा है ना, तो ये डी जो है वो शायद हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे बी सी और ये आपका डी। डी आपका गोल्ड होगा, सिल्वर के भी नीचे आ रहा है। जो सी है वो कॉपर और सिल्वर के बीच में आ रहा है। अगर रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद हो तो यहाँ पे आपका कौन सा एलिमेंट आता है, यहाँ पे आपका आता है मरकरी, है ना, तो आपका जो सी है वो एच जी हो जाएगा, ठीक है। हम अगर ए की बात करें तो ए जो है वो आयरन और कॉपर के बीच में आ रहा है, आयरन और कॉपर के बीच में आता है लेड, पी बी ए, सॉरी पी बी आपका ए हो जाएगा, ठीक है। जो बी है, देखो बी क्या कर रहा है, जिंक सल्फेट में रिएक्शन नहीं दे रहा है कोई, है ना, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखा रहा है आयरन सल्फेट में, तो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, तो जिंक से कम रिएक्टिव या जिंक खुद हो सकता है ना। तो देखो आयरन और जिंक के बीच में कोई एलिमेंट आता नहीं है तो वो खुद जिंक है। अब जिंक को जिंक सल्फेट में डालोगे तो आपको कोई रिएक्शन दिखेगा ही नहीं, क्योंकि अगर वो डिस्प्लेस करता है, मतलब वो क्यों करेगा, वो तो सेम हो गई ना दोनों चीज़ें, ठीक है। तो आपका जो बी है वो जिंक है, ठीक है, समझ में आया ये आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, विच गैस इज़ प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू अ रिएक्टिव मेटल। रिएक्टिव मेटल बोला है तो हाइड्रोजन के ऊपर वाला कोई मेटल लेंगे, तो हम लोग जिंक ले लेते हैं सिंपल ना। जिंक को आपने रिएक्ट किया, ZN को रिएक्ट किया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो कौन सी गैस रिलीज होती है। आई होप आप सब लिख सकते हैं ये इक्वेशन, है ना, इसमें कोई हार्ड नहीं है। तो जिंक जो है अपना क्लोराइड का सॉल्ट बनाएगा, तो आप पॉज करके सारे सब लोग इक्वेशन लिखें और गैस का भी नाम बताएं, तो आपका आंसर हो जाएगा ZnCl, जस्ट अ मिनट,
ZnCl2 प्लस H2 गैस। आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, ईजिली आपसे बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, हम यहाँ पे 2 लगा देंगे और ये बैलेंस हो जाती है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं राइट द केमिकल इक्वेशन व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4। तो अब आयरन का H2SO4 के साथ रिएक्शन लिखना है, तो Fe लेंगे हम, उसको रिएक्ट करेंगे H2SO4 के साथ। तो आपको पता है जब भी कोई मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ, तो वो ये जो मेटल है ये सल्फेट का सॉल्ट बनाएगा, तो आपका सल्फेट का सॉल्ट हो जाएगा FeSO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इजी है ये, आप सब कर सकते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन टू सल्फेट। तो आपका आयरन सल्फेट में अगर आप जिंक डालेंगे तो क्या रिएक्शन होगा। तो आप सबको पता है जो जिंक है वो आयरन से ऊपर आता है ना, Zn फिर Fe आता है। तो अगर जिंक यहाँ पे आएगा, ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन को डिस्प्लेस करेगा ईजिली, तो यहाँ पे आप सब ये केमिकल इक्वेशन इसको आप आराम से लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे ZnSO4 प्लस Fe, है ना। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अच्छा, इसमें ये वाला जो है ना सोडियम कैप्ड इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल, इसमें आप ये लिख सकते हो कि सोडियम कैचेस फायर इमीडिएटली व्हेन इट इज़ एक्सपोज्ड इन एयर टू एयर और वाटर, सो टू प्रोटेक्ट इट और टू प्रिवेंट द फायर सो वी कीप इट इन केरोसिन ऑयल, है ना। ये दोनों आंसर आप रिएक्टिविटी की भी बात कर सकते हैं या फायर की भी बात कर सकते हैं, दोनों आंसर आपके अप्रोप्रिएट होंगे। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल पूरी की है, तो आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल नॉन मेटल दोनों की बहुत अच्छी तरह पता होनी चाहिए और सारे एक्सेप्शंस पता होने चाहिए। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपकी 4 आती हैं, रिएक्शन विद एयर, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद एसिड्स एंड रिएक्शंस विद मेटल सॉल्ट्स। ये आपको अच्छी तरह आनी चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। अब हम लोग एक नई चीज़ पढ़ेंगे जिसमें हम आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। ठीक है, तो देखो हम लोग अब ये हम प्रॉपर्ली देखेंगे। इन द अबव एक्टिविटीज़ यू सॉ द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद अ नंबर ऑफ रिएजेंट्स। ठीक है, हमने देखा कि वो अलग अलग चीज़ों के साथ रिएक्ट कर रहा है। व्हाई डू मेटल रिएक्ट्स इन दिस मैनर, तो जैसे वो रिएक्ट कर रहा है वो क्यों कर रहा है ऐसा, है ना। कुछ तो एक बेसिक चीज़ चल रही होगी जिसकी वजह से वो एक पर्टिकुलर वे ही शो कर रहा है ना। लेट अस रिकॉल व्हाट वी लर्नड अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल्स इन क्लास 9th। तो आप लोगों ने सबने क्लास 9th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी होगी, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 8, नेक्स्ट शेल में 8, देन 18, 32। ठीक है, ऐसे करके हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यस, वी लर्न दैट नोबल गैसेज विच हैव अ कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। तो देखो अगर लास्ट में सिर्फ 2 है और ख़त्म हो गया तो वो नोबल गैस है आपकी हीलियम, अगर लास्ट में 8 तक है, मतलब 2 और 8 10, तो वो नियॉन हो गई, है ना। उसके बाद अगर लास्ट में 8 है, 2 8 8, है ना, 18 एटॉमिक नंबर हुआ, तो आर्गन, ये भी आपकी नोबल गैस है। तो ऐसे ही नोबल गैस किनको कहते हैं, जिनकी जो लास्ट शेल होती है वैलेंस शेल होती है, लास्ट शेल को ही वैलेंस शेल बोलते हैं, वो कम्प्लीटली फिल्ड हो। ठीक है, शोज़ लिटिल केमिकल रिएक्टिविटी। और जो आपकी ये जो नोबल गैसेज है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनन, जो ये हैं, ये बहुत ही कम केमिकल रिएक्टिविटी दिखाती हैं। नॉर्मली तो वो दिखाती नहीं है, अगर आप ज़बरदस्ती कुछ कर रहे हैं तो एक दो छोटी मोटी रिएक्टिविटी आपको दिखा देती है। सो वी देयरफॉर एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट एज अ टेंडेंसी टू अटेन अ कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। तो कोई रिएक्शन क्यों दिखा रहा है, वो किस लिए दिखा रहा है, कोई रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि उसे उसके पास एक टेंडेंसी है कि उसे कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल अटेन करनी है। ठीक है, तो ये जितने भी मेटल्स नॉन मेटल्स हैं इनकी लाइफ का एक ही एम है, और वो क्या है, उनको नोबल गैस की तरह बनना है या फिर कम्प्लीटली फिल्ड उनको वैलेंस शेल चाहिए। ठीक है, तो वो जितने भी रिएक्शन करते हैं वो सिर्फ ये करने के लिए करते हैं, बाकी उन्हें कोई अलग से मतलब नहीं होता है कि ये मेरा फेवरेट एलिमेंट है या ये नहीं है, नहीं, उनके पास सिर्फ एक ही रीज़न है कि उनको कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल चाहिए टू बिकम स्टेबल।
लेट अस हैव अ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस एंड सम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ये आपकी टेबल है, ठीक है. नोबल गैस का देखते हैं. सबसे पहले हीलियम, आपको एटॉमिक नंबर उसका पता होना चाहिए. हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2. तो जो के शेल है उसी में 2 की कैपेसिटी है, तो 2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 2, है ना. उसके बाद नियॉन देखते हैं. नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10. तो देखो 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 ही आ सकते हैं. आप देख रहे हो के में 2 से ज़्यादा आ ही नहीं सकते. हाइड्रोजन होता है उसमें सिर्फ 1 होता है, क्योंकि है ही एक ही है उसके पास, तो दूसरा कहाँ से ले आएगा, ठीक है. और के शेल में सिर्फ देखो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. एल शेल में मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. तो देखो 8 से ज़्यादा नहीं होंगे. एम शेल में मैक्सिमम आपके 18 हो सकते हैं, है ना. तो देखो यहाँ पे 8 से ज़्यादा ही नहीं है, ठीक है. तो देखो नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन्स है. आप प्लीज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आनी चाहिए कैसे लिखते हैं, नहीं तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए ना ये आगे का जो पार्ट है वो प्रोसीड करना. 10 है तो सबसे फर्स्ट शेल में तो 2 रख देंगे, अब जितने बच गए उसको आगे वाले शेल में ट्रांसफ़र कर देंगे. तो 8 हो गए, और हमें पता है एल शेल में 8 आ सकते हैं, तो हम 8 को एज इट इज़ रख देंगे, ठीक है. नेक्स्ट है आर्गन. आर्गन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 18. 18 में सबसे पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रखा, अब देखो 18 में से 2 गया तो कितना बचा, 16 इलेक्ट्रॉन्स और बचे हैं. अब हमें पता है एल के पास कितनी कैपेसिटी है, सिर्फ 8 लेने की, तो वो 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रखेगा. 8 इसमें से आप माइनस करेंगे तो कितना बच गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स. अब हमें पता है एम में 8 ऐसे के ऐसे हम डाल सकते हैं, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन की क्या हो जाएगी, 2 8 8, ठीक है. अब देखो मेटल्स देखते हैं हम लोग कुछ. आप सबको पता है सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम पोटेशियम कैल्शियम मेटल है, अभी इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए. सोडियम लेंगे, सोडियम के एटॉमिक नंबर है 11. 11 में चलो फिर से स्टार्ट करते हैं. के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन डाले, कितने बच गए, 9. 9 में एल में हमें पता है सिर्फ 8 ही आ सकते हैं, 1 बच गया, 1 को हम नेक्स्ट एम शेल में डालेंगे, ठीक है. तो देखो अब ये चीज़ आप ना थोड़ा ऑब्जर्व करो कि ये इसकी एम जो है वो सोडियम की आउटर मोस्ट शेल है या वैलेंस शेल है ना, क्योंकि इसके बाद वाली तो कोई भरी नहीं हुई. सबसे आखिरी कौन सी शेल है, पोटेशियम सोडियम की एम शेल. एम शेल में उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है. मैग्नीशियम देखते हैं, 12. तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन 2 8 2 हो जाएगा, ठीक है. इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2. एल्यूमिनियम के पास हम देखेंगे 13 है, लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स. पोटेशियम का 19 होता है, तो 2 8. अब उसके पास 2 और 8 निकालेंगे तो 9 बच गए, तो नेक्स्ट में फिर से 8 आ जाएंगे, और फिर जो 1 हो गया बच गया है वो नेक्स्ट शेल में. तो जो पोटेशियम की आउटर मोस्ट शेल अब M नहीं है, N है. N जो है वो वैलेंस शेल है पोटेशियम की, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1. कैल्शियम में 20, सो 2 8 8 और 2. अब देखो एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि ये जो मेटल्स हैं, मेटल्स की आउटर मोस्ट शेल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. तो देखो अगर आप देखोगे ना, एक में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, फिर 1 है और 2 है, है ना. तो देखो ये जो 1 2 3, फिर से 1 2, मैक्सिमम 3 तक पहुंच पा रहा है, 1 2 3 तक ही पहुंचा है. आप ये चीज़ समझिए कि ये जो मेटल हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 होने की औकात नहीं होती, इसलिए वो कहीं और से बोरो नहीं करते. 1 है तो इसको देने में कोई डर नहीं है, 2 है इसको देने में ज़्यादा कोई डर नहीं है, क्योंकि इसे पता है कोई इसको 6 नहीं देगा, है ना. स्टेबल होने के लिए तो इसको 8 करना है ना, तो इसको 6 कोई नहीं देगा. 3 है तो देने में इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 5 इसको कोई देगा नहीं. 1 है तो देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसे ये पता है कि 7 इलेक्ट्रॉन्स इसको कोई नहीं देगा स्टेबलाइज होने में. तो देखो मेटल की क्या खासियत है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं. ये चीज़ क्लियर हुई, ठीक है. अब एक बार नॉन मेटल्स को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि नॉन मेटल्स क्या ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं. तो देखो नॉन मेटल में हम लोग लेते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन. फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होनी चाहिए कि 7 जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो 2 आएंगे फर्स्ट में, फिर 5. ऑक्सीजन 8 है तो 2 6, फ्लोरीन 9 तो 2 7, फॉस्फोरस 15 है तो फर्स्ट शेल में 2 गया, 13 बचा. नेक्स्ट शेल में 8 जा सकता है मैक्सिमम, तो 8 चला गया, आपका 5 बचा. नेक्स्ट शेल में फिर से 8 जा सकता है मैक्सिमम, तो 5 के 5 यहाँ पे ऑक्यूपाई हो गए. सल्फर 16 है तो 2 8 6, क्लोरीन 17 है तो 2 8 7. अब देखो यहाँ पे हम नॉन मेटल को देखते हैं. नॉन मेटल में आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 6 7
5, 6, 7 आप देख रहे हो, है ना। अब आपको समझ में आ रहा है कि मेटल्स क्यों मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं और नॉन मेटल्स क्यों नॉन मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं। इसमें 4 से ऊपर ऊपर है, या तो 4 होते हैं 4 से ऊपर। तो देखो 5, 6, 7 5, 6, 7 यहाँ पे 1, 2, 3 1, 2 5 से नीचे चल रहा था 4 से नीचे चल रहा था, ये चीज़ समझ में आ रही है। तो देखो इनके पास अब ये 5 देना नहीं चाहेगा कहीं, इसके अलावा ये 3 लेना ईजी है इसके लिए, ये 6 कहीं पर देना नहीं चाहेगा, जबकि ये 2 ईजली ले सकता है कहीं से, ये 7 कभी नहीं देगा किसी को, बट ये 1 ईजली ले सकता है। आप समझ रहे हैं, इनके लिए देना बड़ा ईजी है, जो मेटल्स हैं उनके लिए रिलीज़ करना लूज़ करना बड़ा ईजी है इलेक्ट्रॉन्स, और सबका मकसद क्या है कि लास्ट में ऑक्टेट रह जाए, है ना। ये चला जाएगा तो इसके पास क्या बच गया, 8 आउटर मोस्ट तो स्टेबल हो गई, ये चला गया तो क्या बच जाएगा, 8, ये 3 चला गया तो 8, है ना। यहाँ पे 5 को अगर और 3 मिल जाएगा तो 8 हो जाएगा, 6 को 2 मिल जाएगा तो 8 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आपको इनका क्या, इनको लास्टली चाहिए क्या कि आउटर मोस्ट शेल में इनके पास नोबल गैस की तरह कॉन्फ़िगरेशन हो, ठीक है। तो मेटल के लिए देना ईजी होता है, नॉन मेटल के लिए लेना ईजी होता है। तो मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करें, और नॉन मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें, ठीक है। क्लियर हुआ इस पूरे डेटा से आपको, ये क्लियर हुआ, ठीक। अब देखिए, वी कैन सी फ्रॉम टेबल 3.3 दैट सोडियम एटम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। इफ़ इट लूजेज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एम शेल, देन इट्स एल शेल नाउ बिकम द आउटर मोस्ट शेल। तो क्या बोल रहे हैं, अभी अभी आपने टेबल में देखा था, हम लोग एक बार देख लेते हैं। सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11। इसका मतलब क्या है, इसके पास प्रोटॉन भी 11 है और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है, है ना, यही मतलब हुआ। तो देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, तो फर्स्ट शेल में तो के एल एम, है ना, तो के में 2 इलेक्ट्रॉन्स, अब कितने बच गए, 9। एल में हमारे, हमें पता है 8 ही आ सकते हैं, और फिर अब कितने बच गए, 1। तो देखो ये क्या बोल रहे हैं, अभी सोडियम की आउटर मोस्ट शेल वैलेंस शेल कौन सी है, एम, लेकिन जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है एम शेल से, एल शेल अब ये चला गया है, लूज़ कर दिया, हट गया ये यहाँ से। तो अब देखो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 2, 8, देन इट्स एल शेल बिकम द आउटर मोस्ट शेल एंड हैज़ अ स्टेबल ऑक्टेट। अब देखो जो लास्ट में 8 आया तो ऑक्टेट तो पूरा हो गया, है ना, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अब देखो क्या हो रहा है, इसके न्यूक्लियस के पास, द न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम स्टिल हैज़ 11 प्रोटॉन्स, क्योंकि न्यूक्लियस प्रोटॉन्स को तो किसी ने टच नहीं किया, न्यूक्लियस को कोई टच नहीं कर पाया, बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज़ बिकम 10, 8 + 2 इज इक्वल्स टू 10। तो देखो इसके पास अब प्रोटॉन्स तो 11 है, बट जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 10 हो गए। सो देर इज़ अ नेट पॉजिटिव चार्ज गिवन बाय अ सोडियम कैटायन Na पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे आप +11 को और -10 को आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, +1, है ना। तो सोडियम कब स्टेबल होता है, जब वो +1 बनता है। अब सोडियम, अगर कोई बोले कि यार सोडियम स्टेबल है, ऐसे एक एटम सोडियम का स्टेबल है, नहीं, क्या ऐसे एक एटम ये आयन जो है सोडियम का स्टेबल है, यस, तभी तो उसने बनाया है, नहीं तो वो बनाता नहीं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो एक बार क्लोरीन का केस और देखते हैं हम लोग। सो सी, क्लोरीन आपका एटॉमिक नंबर 17, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो के एल एम एन, आपका के में 2 ही आ सकते हैं, कितने बच गए, 15, आपका एल में 8 आ जाएंगे, कितना हो गया ये आपका, 7, ठीक है। तो देखो एम में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, अब 8 करने के लिए, ये अब 7 किसी को देगा नहीं क्योंकि वो ज़्यादा उसके लिए मुश्किल चीज़ है, लेकिन कोई एक इसको ईजिली दे सकता है, और आपको पता है अभी अभी आपने एक को देखा था, एक देते हुए, है ना, वो कौन था, सोडियम। तो इसको जैसे कोई एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये 8 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। एंड इट रिक्वायर्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कम्प्लीट इट्स ऑक्टेट इफ़ सोडियम एंड क्लोरीन वर टू रिएक्ट। अब हम बोल रहे हैं कि सोडियम को और क्लोरीन को रिएक्ट कराते हैं, सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन देना है, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन लेना है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप होगा इनके बीच में, द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय सोडियम कुड बी टेकन अप बाय क्लोरीन। तो जो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन बाहर डाल दिया था कि मेरे यूज़ का नहीं है, और Na पॉजिटिव बना लिया था, क्लोरीन उसको लेके Cl नेगेटिव बना लेगा, और आप सबको पता है नेगेटिव क्यों आएगा, क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन्स हैं, जैसे ही उसको एक इलेक्ट्रॉन और मिला
17 ही उसके पास इलेक्ट्रॉन है, पर जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन और मिला तो अब उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए और टोटल चार्ज -1 हो गया है ना, तो नेगेटिव हो गया। सो सी आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन द क्लोरीन एटम गेट्स अ यूनिट नेगेटिव चार्ज, तो आपका 1 नेगेटिव इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा बिकॉज इट्स न्यूक्लियस हैज 17 प्रोटॉन्स एंड देर आर 18 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स के एल एंड एम शेल्स। ठीक है, तो अब दिस गिव्स अस अ क्लोरीन एनायन Cl नेगेटिव। यहाँ तक आपने देखा। सो बोथ दीज एलिमेंट कैन हैव अ गिव एंड टेक रिलेशन बिटवीन देम एज फॉलोज। ठीक है, तो हम लोग इसके जो कैसे हम इसको शो करते हैं कि कैसे दिया, कैसे उसने क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके?